हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अंग्रेजी का सेट नंबर 817 DH का यहाँ पे पूरा हल देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका पार्ट ए का पहला जो सवाल दिया था, पैसेज दिया था, इसको केयरफुली पढ़ के इसका आंसर आपको देना है। फ्रेंड्स, आपके सामने यह पहला सवाल है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस कौन थे। इसमें से पैसे से देख के आपको आंसर देना था। तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर थे। आपके सामने फ्रेंड्स ये अगला नंबर का सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दूसरा नंबर का, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इन इज दिस। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्टेटमेंट किसका है। तो फ्रेंड्स, इसका भी सही जवाब बी है, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है आपका कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी इंडियन नेशनल आर्मी किसने ऑर्गेनाइज्ड किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका ऑप्शन सी वाला सही है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आपका चौथा है कि सी, देखिए यहाँ पे सी है, टू द मार्केट विथ हर क्यूसाइंस। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर डी होगा, ऑल ऑफ द करेक्ट। ठीक है, पांचवा नंबर का है, इफ़ ए स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका मतलब है कि इसका सही जो आपका डी है, क्यूरियस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका छठवां नंबर का सवाल है, देखिए क्या है आपका कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल स्टेटमेंट एंड चूज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब आपको देना है, और यहाँ पे इसका सही जवाब आपको देखिए डी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा, वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां नंबर का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल, यानी कि इसमें से स्पेलिंग किसका गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी होगा। ठीक है, देखिए ई आई वी ई, ई आई वी ई, ई वी आई, देखिए यहाँ पे आई ई वी है, इसलिए गलत है स्पेलिंग। ठीक है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। आपका फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन आपको भरना था, ही, देखिए यहाँ पे ही हैज़ नो डिज़ायर फेम, तो यहाँ पे आपका भरना था, आपका इसका सही जवाब बी होगा, फार। ठीक है, यहाँ पे आप फार भरेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, आपको पैसेज दिया था, इस पैसेज को पढ़ के नीचे दिए क्वेश्चन को आपका आंसर देना था। जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या नौवां नंबर का था, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका सही जवाब होगा कर्टेल्ड। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। दसवां नंबर का सवाल है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, द ऑथर फेल्ड द ग्रेटर हंगर फॉर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बी वाला होगा, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आप 11 नंबर का सवाल है कि द पोस्ट मास्टर वाज ए एम्बिएबल फेलो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा फ्रेंडली, बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बारहवां नंबर का है कि अन्य फ्रैंक वांट टू कीप ए डेयरी बिकॉज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसका आपका सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, इसका सही जवाब कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 13 नंबर का सवाल है कि माइनक्राफ्ट ऑफ कुर्ग इज। ठीक है, देखिए कुर्ग का मेन फसल क्या था आपका, तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी ना होके इसका सही जवाब कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इस पे सीज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया है कि आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर क्वेश्चन फेलो, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना था, इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें से आपको आंसर देना है। तो हु, देखिए यहाँ पे आपका है 14 नंबर का कि इसका सही जवाब कौन सा होगा, डी वाला होगा। यहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं इसका सही जवाब, तो ए वाला होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, डी वाला होगा। 15 नंबर का है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका आपका 15 नंबर का ए सही होगा, अंडर ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से है कि एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। ठीक है, तो देखिए इसका आप 16 नंबर का आपका सही जवाब कौन सा होगा कि नो फूड फॉर टू डेज, तो इसका सही जवाब सी वाला होगा।
17 नंबर का है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, यानी कि थीफ का स्टोरी किसने लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, तो इसका सही जवाब ए होगा, ठीक है। और 18 नंबर का है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आई पिंग, ठीक है, तो 18 नंबर का सही जवाब होगा ए, इन एन इन, ठीक है। 19 नंबर का है कि व्हाट डिड इव राइट स्टार कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स 20वां नंबर का है कि वेन टू यम यम ए फॉरेस्टायर टू बोरो, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब बी होगा, ए नेकलेस। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।